नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार की इस खबर के साथ कि जहां जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राव पाली ने पंचायत चुनाव के विभिन्न मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार को सौंपा है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2022 के जो नए वोटर बने हैं या जिन वोटरों की मृत्यु हो चुकी है उनका सत्यापन घर घर जाकर कराया जाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में हजारों वोटरों के नाम लिस्ट से गायब थे, वह नाम क्यों गायब थे इसकी जाँच की जानी चाहिए। प्राप्त हुआ है, ये एक एप्रिहेंशन पर दिया गया ज्ञापन है। आपका कहना है कि अभी जो पंचायतों का प्रसीमन हुआ था और इनकी जो ऑब्जेक्शंस थे उसको सुना नहीं गया। एनीवे खैर वो तो कोर्ट से सब सेटल हो गया है, प्रसीमन जैसा था वैसा ही रहेगा। आरक्षण की जो बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ग्राम पंचायत है या क्षेत्र पंचायत है उसमें किसी पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन का बहुमत है उसको किसी दूसरे में आरक्षित किया जा रहा, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है क्योंकि अभी तक आरक्षण होना है, कब से होना है इसका शेड्यूल भी नहीं प्राप्त हुआ है शासन से। जब प्राप्त होगा उसका एक प्रॉपर तरीका है, उसका एक जियो है, उसके हिसाब से किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो है वो बिगुल बच चुका है और हमारे जो गाँव का परिसीमन हुआ है जिला पंचायत सलेमपुर थी उसके दो भाग कर दिए, एक का नाम भादराबाद और एक का जो है बंगला कर दिया। तो अब आरक्षण भी हमारे जो है कुछ तथाकथित नेता बता रहे हैं जो तुम्हारे बाहुल मुस्लिम बाहुल सीट है उसको एससी कर दिया गया और उसको वो हमने डीएम साहब को एडवांस में अवगत करा दिया। यदि परिसीमन की तरह ही आरक्षण पर भी इस तरह जो है राजनीतिक हस्तक्षेप होगा तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश महासचिव संजीव चौधरी ने हिजाब के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आज हिजाब को लेकर ओझी राजनीति की जा रही है, साथ ही उन्होंने कहा कि किसी धर्म के ड्रेस कोड को लेकर इसका फैसला कोई राजनीतिक पार्टी तय नहीं कर सकती। देखिए, हिजाब को लेकर के जिस तरह की ओछी राजनीति की जा रही है, जिस तरह की एक धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, हर व्यक्ति को, हर धर्म के लोगों को अपने जीवन जीने की कला, अपने पहनने का उनका क्या ड्रेस कोड है या उनके खाने का क्या है, ये कोई सरकार या पार्टी तय नहीं करेगी। ये उनका अपना निजी मामला है या उनके अपने धर्म का निजी मामला है। इस देश में सभी को संपूर्ण आज़ादी होनी चाहिए, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यहाँ कपड़े पहनने की आज़ादी है, धर्म ग्रहण करने की आज़ादी है, किसी भी धर्म में रहने की आज़ादी है। दिनेशपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने पर नगर पंचायत के पूर्व सभासद सुब्रतो गोस्वामी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर बीजेपी के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद व्यक्त किया। इस दौरान सुब्रतो गोस्वामी ने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर हमें गर्व है कि हमारे उत्तराखंड में युवा चेहरे को चुना है। हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी है, पूरे उत्तराखंड वाले लोगों को इस बात की खुशी है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे जो है युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को दोबारा मुख्यमंत्री चुनने के लिए हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, लड्डू एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में जश्न का माहौल है। गदरपुर के सेंट मेरी स्कूल की किताबें बिना सेट के खुली नहीं मिलने से परेशान अभिभावकों ने हंगामा किया, तो वहीं मौके पर पहुंचे व्यापार मंडल अध्यक्ष ने मामला निपटाया। दरअसल सारा मामला सेंट मेरी स्कूल की किताबों को लेकर था। बता दें कि कुछ पेरेंट्स का आरोप था कि कुछ किताबें उनके पास पूर्व में हैं और पुस्तक विक्रेता जबरदस्ती उनके साथ दूसरी किताबें भी दे रहा है जो कि हम लोग नहीं लेना चाह रहे। आए थे यहाँ जो लूज की किताबें हैं कुछ हमारे बच्चों की, वो नहीं ये लोग दे रहे थे। हमारे ये व्यापार मंडल के भाई लोग आए हैं, पत्रकार बंधु हैं, इन्होंने आके इनसे बोला तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो ये बाहर के लोग हैं जो किताबें दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे व्यापार मंडल के भाई आए हैं तो हमें अब लूज में किताबें जो हैं वो मिल रही हैं। शहर के सेंट मेरी पब्लिक स्कूल के यहाँ पर सेट बेचे जा रहे हैं किताबों के, तो उसमें पेरेंट्स द्वारा ये शिकायत मिली हमें कि भाई पूरा सेट दे रहे थे, फुटकर में कॉपी किताब नहीं दे रहे थे। तो उनकी सूचना पर, पेरेंट्स की सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँचे थे और यहाँ आकर हमने जो बुक सेलर हैं उनसे बात की है
तो इस समस्या का समाधान हो गया, वो फुटकर किताबें जो भी चाहे वो ले सकते हैं। ये लोग क्योंकि ये बाहर से आए हुए हैं किताबें बेचने के लिए, क्योंकि इनका एक अपना सिस्टम होता है, जो जानकारी हमें मिली है स्कूलों का एक सिस्टम होता है कि ये किताबें ICAI बोर्ड की जो हैं वो बाहर इसे यहाँ पर लोकल में कोई बुक सेलर नहीं बेचता है, तो इसलिए जो बाहर वाले लोग हैं वो यहाँ पर आके ये किताबें यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। विद्यालयों के बड़े कमीशन का खेल खेला जाता है, व्यापार मंडल द्वारा ऐसे विद्यालयों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए व्यापार मंडल तो खैर इसमें क्या करेगा, क्योंकि कमीशन का खेल तो हर जगह चलता है, तो जो भी कमीशन का खेल है वो तो इनकी जो भी कंपनी है बुक सेलर की, क्योंकि ये बाहर के हैं, इनका और आपस का स्कूल का मामला है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हरिद्वार में बीते कई दिनों से लापता बेटी की तलाश में भटक रहे परिजनों ने रोशनाबाद स्थित पुलिस कार्यालय में बेटी की तलाश को लेकर SSP से गुहार लगाई है। पीड़ित परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 25 फरवरी को सुबह 9:30 बजे स्कूल के लिए निकली थी, जहां 10:30 बजे बेटी का फोन आया कि मैं स्कूल जाने में लेट हो गई हूँ, इसलिए मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, 1 बजे तक आ जाऊँगी लेकिन वापस नहीं लौटी। है वो 9th क्लास में पढ़ती है जो कि नाबालिग है, वो सुबह 9:30 बजे स्कूल निकली थी, लेकिन वो स्कूल ना जा करके उसने कुछ दूरी पर जा करके फ़ोन किया, और उस फ़ोन से उसने अपनी मम्मी के पास फ़ोन किया और वो बोली कि मम्मी मैं स्कूल जाने में लेट हो गई हूँ और मैं 1 बजे तक आ जाऊँगी। उसके बाद जब वो 1 बजे तक नहीं आई तो हम लोग उसके घर गए, उसकी सहेली बोली कि मेरे पास तो सुबह से नहीं आई। उसके बाद जो है हमें गड़बड़ी हो गई, हमने तलाश चालू करी, लेकिन उसके बाद जो है करीब 2:30 बजे उसी मकान में एक आनंद कुमार का लड़का रहता है किराए पे, उसका फ़ोन आता है जो है एक किराएदार के पास, उन्होंने कहा भैया मेरी पत्नी से बात करा दो, तो वो अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं शाम तक मेरठ से आ जाऊँगा और जो है मैं पैसे लेने जा रहा। वो बोली इसकी पत्नी कि भैया आप तो सुबह देहरादून गए थे लेकिन आप मेरठ कैसे पहुँच गए हो? क्योंकि नहीं मुझे देहरादून नहीं और मैं जो हूँ मेरठ जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ये बताओ सुबह से मनीषा भी गायब है, आप भी चले गए थे उसके पीछे पीछे लेकिन मनीषा अब तक नहीं मिली, क्या मनीषा आपके साथ है? तो बोला नहीं, मनीषा का मेरे पास फ़ोन आया था और मनीषा दिखा और मैं मनीषा को ही लेके आऊँगा। हरिद्वार के रावली महदूर क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाशों ने मेडिकल संचालक से लूट की घटना को अंजाम दिया, जहां मेडिकल संचालक संजय कुमार पाल द्वारा बताया गया कि बदमाश रात 11:30 बजे डेयरी से दूध लेने के लिए आए थे, तभी पीछे से बाइक पर सवार 3 लोगों के द्वारा धक्का मुक्की करते हुए जेब में रखे 11,000 रुपये लेकर वो लोग भाग गए। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। दुकान बढ़ा के बराबर की दुकान से दूध लेने के लिए गया, तो पीछे जैसे बाइक आई, बाइक में 3 सवार थे, मेरे एक तो फान पे मारा और मेरे झपट्टा मारा जेब पे, फोन तो छूट गया हाथ से उनके, पैसे वो ले गए लोग, 11,000 रुपये मेरे पास थे जाके। उसके बाद हमने काफ़ी पीछा किया उनका, तो करीब 15-20 मिनट हमने गाड़ी दौड़ाई, पीछा करते रहे, वो चक्कर काटते रहे, उसके बाद उन्होंने गाड़ी बरामद कर ली, गाड़ी छोड़ के भाग गए वो लोग। लक्सर में रेलवे लाइन आबादी के बीच से गुजर रही है। रेलवे लाइन के दोनों ओर लक्सर की आबादी का बड़ा हिस्सा है, जहां रेलवे अंडरपास न होने के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों को भी अपने अपने स्कूलों तक पहुंचने के लिए रेलवे लाइनों को क्रॉस करना पड़ता है। साथ ही लोगों को इधर उधर से आने जाने के लिए रेलवे लाइनों को क्रॉस करना पड़ता है। सभी के सामने अंडरपास का ना होना लक्सर में इस समय सबसे बड़ी समस्या है। अंडरपास के निर्माण की हमने मांग रखी है, और जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, SDM साहब को, प्रशासन को, ऊपर तक हाई अथॉरिटी तक मालूम है कि यहाँ दो प्रकार की घटना हो चुकी है, और आए दिन जो हमारे बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे लाइन पार करते हैं, और इसके अलावा पूरे भारत में अंडरपास निर्माण की बात हो चुकी, निर्माण हो चुके हैं, ये कोई विशेष बात नहीं, हम कर रहे हैं अलग से ये करेंगे। पहले हमने अनशन किया था, अनशन से भी काम नहीं चला, इसके आगे जो भी होगा धरना प्रदर्शन हर तरह से, जो भी जनता चाहेगी, आम जनता का मामला है, रोजाना कोई ना कोई हादसा हो रहा है। परसों भी एक महिला कटी, उस टाइम दौरान 2 बच्चे कटे थे जब हम लोग अनशन पर बैठे थे, और फिर हमें अनशन का रास्ता अपनाना पड़े, तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, रेल भी रोकनी पड़ी हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। काफी लंबे समय से डिमांड उठ रही है, और इसके संबंध में रेलवे के अधिकारी भी इससे पूरी तरह से ज्ञात है,
और इसके संबंध पूर्व में संयुक्त निरीक्षण भी हो चुका है, जिसमें रेलवे के DRM स्वयं जिलाधिकारी महोदय और बाकी जो अधिकारी थे उनका निरीक्षण हो गया था। और इसमें अब कोई ऐसी अड़चन भी नहीं है, क्योंकि इसका नक्शा वगैरह सब पास हो गया है। बस बीच में थोड़ी सी आचार संहिता लग गई थी, तो शायद उसकी ऐसे काम प्रारंभ होने में थोड़ी सी देरी हुई है। सरोवर नगरी नैनीताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के देहरादून में जैसे ही केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने नाम की घोषणा की तो जगह जगह लोगों में उत्साह देखा गया। तो वहीं नैनीताल में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष आनंद सिंह बिष्ट के नेतृत्व में गोविंद बल्लभ पंत मूर्ति के निकट आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरण किया गया। साथ ही इस दौरान पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। पीलीभीत के जहानाबाद में प्रतिबंध होने के बावजूद भी जमकर बारबालाओं का अश्लील डांस हो रहा है। जहां शादी के मौके पर मंडप वाली रात में डांस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो वहीं DJ की धुन पर बारबालाएं खूब थिरकती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस को भनक तक नहीं लगी। बता दें कि पूर्व में भी कई बार बारबालाओं के अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो चुका है। पीलीभीत के थाना जहानाबाद इलाके के सुंदरपुर गाँव का ये पूरा रुद्रपुर कोतवाली में विगत 19 मार्च को एक युवक द्वारा दंपत्ति से मारपीट की गई, जिसका पूरा मामला पास ही के लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने दंपत्ति की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। उक्त मामले का खुलासा आज CO City रुद्रपुर ने अपने कार्यालय में किया। ये 20 मार्च 2022 की घटना है। रात करीब 9 बजे मीना अरोड़ा जी हैं, जो अपने पति वरुण अरोड़ा के साथ स्कूटी से जा रही थी। इसी बीच में एक I-20 वाहन जो बैक हो रहे थे, तो दोनों गाड़ियों में टच हो गए। इसमें उसका जो ड्राइवर था मनीष चौधरी, उन्होंने निकल करके और हाकी से इनकी गाड़ी को मारी, और इनका ये कहना था कि इनके साथ अभद्रता करी। और इसमें वीडियो बनी थी, जो कि सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा था। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। करने के बाद इस अभियुक्त की, जो कि उत्तर प्रदेश डिबडिबा का रहने वाला, इसकी आज अरेस्टिंग की गई है। पूर्व में हमने इसमें 341 और 504 IBC में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज इसमें 323, 354, 506 और 427 IPC की बढ़ोतरी करके अरेस्टिंग करी है। माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया है। सितारगंज में अखिल भारतीय किसान सभा ने देश के राष्ट्रपति को उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं का निदान कराने की मांग की गई, जिसमें प्रमुख रूप से MSP लागू करने की बात भी शामिल है। बता दें कि किसान महासभा के बैनर तले किसानों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। गृह राज्य मंत्री का बेटा था, उसने हमारे 7-8 किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर मार दिया, नरसंहार कर दिया। और उसमें वो जो अजय मिश्रा टेनी का लड़का मोनू मिश्रा है, वो तो जेल से बाहर घूम रहा है। और जो हमारे कुछ किसान हैं, उनको सरकार ने जेल में डाल दिया है। एक तो इस अजय मिश्रा टेनी के लड़के के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको जेल में डाला जाए और किसानों को रिहा किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा हमारा दिल्ली में बैठा था, सरकार ने जो वादा खिलाफी हमसे की है उसके विरोध में बैठे हुए हैं कि ये जो वायदे किए उन्हें पूरे करो, MSP दो। और ये आपके जो टेनी का केस है, इस पर केस चलाओ। इसके लड़के को जो इसने किस निर्मम हत्याएं की हैं किसानों के लड़कों की, कुचला है। उत्तरकाशी में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री चुने जाने पर चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने बधाई दी है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में अल्प समय में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए वे ऐतिहासिक हैं। पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपी जाने पर पुरोहितों ने BJP केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार जताया। साथ ही प्रेस को जारी बयान में चार धाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत के प्रवक्ता डॉ. ब्रजेश सती ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक वापस लेने के अति महत्वपूर्ण निर्णय के साथ उन्होंने जोशीमठ का पौराणिक नाम ज्योतिर्मठ किए जाने का भी ऐतिहासिक काम किया है।
आज तीर्थ पुरोहितों के द्वारा पुष्कर सिंह धामी जी को दिया गया आशीर्वाद फलीभूत हो गया है। उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को जब निरस्त किया तो सभी तीर्थ पुरोहितों ने जो है आशीर्वाद दिया था कि इस प्रदेश में एक बार फिर धामी सरकार, और आज मुख्यमंत्री बनने पर यह साबित हो गया और तीर्थ पुरोहितों का आशीर्वाद चारों धामों की कृपा से फलीभूत हो गया। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूँ। बिजनौर में चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी के कैंप कार्यालय पर मेंटोर हॉस्पिटल की ओर से एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर सभी गरीब असहाय लोगों को मुफ्त में इलाज की सुविधा प्रदान की गई, साथ ही मुफ्त में कई बीमारियों की जांच भी की गई। मेरे आवास पर मेंटोर हॉस्पिटल के सौजन्य से एक संयुक्त कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार की दवाइयाँ दी जा रही हैं, मुफ्त ईसीजी की सुविधा है और उनकी सभी जांच भी की जा रही है, जिसमें वरिष्ठ डॉक्टर डॉक्टर टी पी सिंह साहब, अंकित चौधरी साहब, डॉक्टर यू साहब और लेडी डॉक्टर सुशीला सैनी साहब मैडम यहाँ पर देख रहे हैं मरीजों को। सुबह से लगभग 300 मरीज अब तक यहाँ ये सेवा। चेयरमैन बिजनौर शमशाद अंसारी के सौजन्य से लगाया गया है, जिसमें तमाम दवाइयाँ लोगों को फ्री हैं, ईसीजी यानी कि दिल की जाँच भी यहाँ पर फ्री की जा रही है, और इसके साथ साथ शुगर की जाँच और तमाम खून की जांचें 50% की छूट पर यहां पर की जा रही हैं। इससे तमाम गरीब लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, और इस हॉस्पिटल का एक मकसद ये भी है मेंटोर का कि गरीब लोगों को अच्छी सुविधाएं और अच्छे मार्जिन पे और बिना लूटपाट किए, यानी कि लोगों को एक ऐसा इलाज मिले जो कि कम दामों पे हो। क्योंकि एटा में समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां एटा में सपा के प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए गए। बता दें कि उदयवीर सिंह राकेश यादव का नामांकन रद्द कर दिया गया। दरअसल एटा मथुरा सीट पर सपा प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए गए, तो वहीं बीजेपी के आशीष यादव ओम प्रकाश को निर्विरोध जीत मिली है। बता दें कि एटा से बीजेपी के आशीष यादव को निर्विरोध जीत मिली, तो वहीं मथुरा से बीजेपी के ओम प्रकाश सिंह निर्विरोध MLC बने। सपा से अमेठी सुल्तानपुर के MLC प्रत्याशी शिल्पा प्रजापति के पति अनिल प्रजापति समेत दो अन्य समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर जगदीशपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। MLC चुनाव में ग्राम प्रधान को 50,000 और BDC को 20,000 रुपए देने का ये पूरा मामला है। यूपी में आने वाले 24 मार्च से बोर्ड परीक्षाओं का दौर शुरू हो रहा है, जिसे लेकर प्रदेश स्तर से जिले स्तर तक की तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। बलरामपुर जिले में 24 मार्च से शुरू हो रहे बोर्ड परीक्षा के लिए नगर और ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट की नकल विहीन परीक्षा के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। जनपद के में 63 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष बना दिए गए हैं, उसके साथ ही एक वाह्य केंद्र व्यवस्था भी तैनाती की गई है। प्रशासन द्वारा स्टेटिक मजिस्ट्रेट भी वहां तैनात रहेंगे, जो उनकी निगरानी में उस दिन की अर्थात प्रत्येक दिन की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। उसके अलावा भी जिलाधिकारी महोदया द्वारा जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा प्रत्येक केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस व्यवस्था करा दी गई है। विद्यालय में स्ट्रांग रूम के साथ ही पूरी व्यवस्था की गई है, लिंकअप हमारे कंट्रोल रूम से कर ली गई है, और ये हमारे जनपद के कंट्रोल रूम राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से कनेक्ट कर दी गई है। इसके लिए हम लोगों ने ट्राई भी कर ली है कि प्रत्येक केंद्रों पर क्या व्यवस्था की गई है, ऑनलाइन है कि नहीं। इसके साथ ही बच्चों में बड़ा उत्साह है और उसके साथ परीक्षा देंगे और हम लोग परीक्षा की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि शासन का मंशा है कि बिल्कुल पूर्ण रूप से नकल विहीन परीक्षा कराई जाए, हम लोग बिल्कुल पूर्ण रूप से अपना कमर कस चुके हैं, किसी भी दशा में नकल नहीं करने देंगे, जैसा कि शासन की मंशा है। हमारे यहाँ 8-7 कमरों में परीक्षा होनी है, जिसमें दोनों साइड में CCTV कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर,
सब लगे हुए हैं, पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हम लोग बना चुके हैं। छात्रों से ये कहना चाहेंगे कि अभी उनके पास जो समय बचे हुए हैं उनमें वो अपने अलग दिमाग ना लगा कर केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि किसी भी दशा में नकल कहीं भी किसी केंद्र पर हो नहीं पाएगा। विधानसभा चुनाव के बाद अब MLC चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत लगा दी है। बस्ती सिद्धार्थनगर स्थानीय निकाय विधान परिषद सीट के लिए आज BJP के घोषित प्रत्याशी सुभाष यदुवंश कलेक्ट्रेट पहुंचकर दो सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया उन्होंने। वहीं नामांकन के दौरान बस्ती व सिद्धार्थनगर के बड़े नेता भी मौजूद रहे। जल की कमी का संकट न केवल भारत बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों की एक विकट समस्या बन चुका है। ऐसे में लोगों को जल का महत्व बताने और कैसे कैसे अलग अलग तरीकों से इसे संरक्षित किया जा सकता है, इसके लिए विश्व जल दिवस 22 मार्च यानी आज ही मनाया जाता है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर सदानंद गुप्ता ने जल संरक्षण को लेकर लोगों से अपील की। बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट ने विश्व जल दिवस पर पानी की एक एक बूंद बचाने का आह्वान किया है। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तरौली में एक सनसनीखेज वारदात में एक विवाहिता की गोली लगने से मौत हो गई। दरअसल बताया जा रहा है कि पति ने गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी। सूचना पाकर मृतका के मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे। मृतका के पिता ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। SP ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज परिषदीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर परखने के लिए तेज तर्रार SDM राकेश कुमार त्यागी ने औचक निरीक्षण किया, जहां SDM ने व्यवस्था को परखा है। बता दें कि प्रदेश में BJP सरकार दोबारा आते ही प्रशासन सतर्क हो गया है। इस दौरान SDM ने वहां पर पंजीकरण बच्चों की संख्या के साथ तैनात शिक्षकों के बारे में और बच्चों को मिड डे मील के बारे में जानकारी ली, तो वहीं स्कूल के बाहर गंदगी देखकर SDM ने नाराजगी जाहिर की। कन्नौज विधानसभा क्षेत्र के शरीफापुर गांव में अवनीश कटियार के नेतृत्व में नौ निर्वाचित विधायक असीम अरुण का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें असीम अरुण ने जनता का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कन्नौज में अधूरे पड़े कामों को पूरा कराया जाएगा, कन्नौज में विकास की गंगा बहेगी, कन्नौज एक बार फिर इतिहास की नगरी से और विकास की नगरी से जाना जाएगा। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्रांतर्गत अकबरपुर सराय घाग निवासी मृत्युंजय दुबे को साइबर ठगों ने अपना निशाना बनाया। मृत्युंजय ने बताया कि 4 मार्च को मेरे खाते से 97,970 रुपये निकालने का मैसेज आया। युवक कई दिन तक इसकी जानकारी के लिए बैंक के चक्कर लगाता रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो पीड़ित ने SP को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की गुहार लगाई है। बरेली में फरीदपुर पुलिस ने 18 मार्च को हुई सुनील कुमार नाम के युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना के संबंध में युवक की प्रेमिका सहित उसके भाई, पिता, पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा सर्विलांस की मदद से किया है। दरअसल घटना वाली रात प्रेमिका एकता ने सुनील से बात करके अपने घर बुलाया था। रोशनाबाद हरिद्वार की बेटी और हॉकी हैट्रिक प्लेयर वंदना कटारिया को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिससे वंदना कटारिया के परिवार में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा हॉकी हैट्रिक प्लेयर वंदना कटारिया को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले वंदना कटारिया को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद वंदना कटारिया के घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।